हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें जैसे दोस्तों अगर जो आपके परिवार में आपकी पुत्री या आपकी बहन की शादी की तारीख पड़ गई है तो दोस्तों यहां पर जो कि आर्थिक सहायता के रूप में आपको जो है कि शादी अनुदान यहाँ पर मिलेगा जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार जो कि है कि आर्थिक सहायता यानी कि शादी अनुदान जो है कि दे रही है तो अगर दोस्तों आप जो है कि शादी के अनुदान के, के लिए आप जो कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल जो कि आपको मिल पाएगा तो कैसे ऑनलाइन आवेदन करना इस वीडियो में कंप्लीट मैं दिखाऊंगा तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर शादी अनुदान के लिए यानी कि आर्थिक सहायता के लिए दोस्तों जो है कि तीन महीने पहले शादी की जो भी तारीख है तीन महीने पहले या तीन महीने बाद जो है कि आवेदन कर पाएंगे तो कैसे ऑनलाइन आवेदन करना इस वीडियो में आप बने रहिए बिल्कुल जो जो है कि लाइफ यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करके मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों जो है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले जो है कि यहाँ पर जो भी आवेदक हैं तो उनका जो है कि आधार कार्ड बैंक पासबुक और जो है कि उनका एक फोटो और जो है कि उनका जाति प्रमाण पत्र और जो कि आय प्रमाण पत्र जैसे कि अगर जो जनरल कैटेगरी से है तो सिर्फ जो है कि आय प्रमाण पत्र लगेगा और बाकी जो है कि जनरल कैटेगरी के छोड़ाकर जैसे ओ बी सी एस सी एस टी जो कि कैटेगरी से आते हैं तो उनका जो कि जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा उसके बाद जो है कि अब शादी की कार्ड लगेगा जो भी शादी की कार्ड है उसके बाद जो कि लड़की का आधार कार्ड या मार्गशीट जो भी एड्रेस प्रूफ एक डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बाद जो है कि यहाँ पर लड़की का भी एक फोटो लगेगा उसके बाद जो है कि लड़के का एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट लगेगा तो इतना डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा तभी दोस्तों जो कि ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे तो चलिए ऑनलाइन आवेदन करके बिल्कुल जो कि लाइव हम आप सभी को दिखाता हूँ चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं शुरू हाँ। करते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं कंप्यूटर पर अपने आ चुका हूँ जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं और यहाँ से जो कि ऑनलाइन आवेदन करके मैं बिल्कुल लाइव जो कि दिखाऊंगा सबसे पहले जो कि यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह से जो कि आ चुके हैं और यहाँ पर जो है कि सर्च में जो कि टाइप करेंगे शादी अनुदान तो चलिए यहाँ पर सर्च में जो कि टाइप कर लेते हैं शादी अनुदान तो जैसे आप पर देख रहे हैं शादी अंदाने इस तरह से जो कि टाइप करेंगे तो जैसे टाइप करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ सब पर सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं शादी अनुदान डॉट यू पी एस डी सी डॉट जीओवी डॉट इन दोस्तों ये ऑफिसियल वेबसाइट है यह वेबसाइट का लिंक जो है कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो कि इस वाले वेबसाइट पे चले जाएंगे तो चलिए यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज जो होगी ओपन होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन यानी दोस्तों अगर जो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यहाँ पर शादी अनुदान के लिए जो होगी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे तो जैसे दोस्तों इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर जो नया पंजीकरण यहाँ दोस्तों आप देखें नया पंजीकरण नया आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें जैसे दोस्तों यहाँ पर तीन लिंक जो दी गई है जैसे कि सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन यानी कि सामान्य जाति के और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ से आवेदन करेंगे दूसरी लिंक यहाँ पे दी गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन करें यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग में जो श्रेणी में लोग आते हैं वह आवेदन करेंगे और निचले लिंक पर दोस्तों आप देख रहे अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी यानी कि अल्पसंख्यक में जो आते हैं वो लोग आवेदन कर पाएंगे तो जैसे दोस्तों जो भी आपके वर्ग के हैं यानी कि के हैं, वहां से अपना जो कि अपना चोस कर लीजिएगा जैसे दोस्तों यहाँ अनुसूचित जाति के लिए ऑनलाइन आवेदन करूंगा तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा चलिए क्लिक करते हैं जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज जो कि ओपन हो जाएगा देखिए इस तरह से ओपन हो चुका है यहाँ पर आप देख रहे हैं विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ विवाह हेतु अनुदान के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो एक के भी से बीस के भी के अंदर होना चाहिए और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं पी फाइल एक के बी से चालीस के वी ये होना चाहिए लेकिन दोस्तों वो फोटो यहाँ एक के बी से लेकर बीस के वी तक आप जो कि कन्वर्ट कर लीजिएगा और जो भी दोस्तों आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो एक के बी से चालीस के वी के बीच में आप कन्वर्ट करते हैं दोस्तों ये क्लियर नहीं होगा बिल्कुल जो है कि धुंधुला दिखेगा तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक के से लेकर चालीस के वी के बीच में दोस्तों एक के से लेकर सौ के वी के अंदर में दोस्तों आप जो कि अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल जो कि अपलोड हो जाएगा एक के विष ले के सौ के वी के बीच में जो अपलोड कीजिएगा उसके बाद जो नीचे आइए यहाँ पर आवेदन देख रहे आवेदक का विवरण यानी कि दोस्तों यहाँ पुत्री की शादी की तिथि तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा और जो भी दोस्तों शादी का कार्ड है उससे जो कि तीन महीने पहले और तीन महीने बाद जो कि आवेदन जो कि करेंगे तो उससे जो कि अपना जो भी कार्ड है उससे जो कि आप तारीख जो कि यहाँ पर जो कि यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा चलिए मैं कर लेता हूँ तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि पुत्री की शादी की तिथि यहाँ पर मैंने जो कि शादी के कार्ड से जो कि यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए के बाद जो कि यहाँ पर जनपद जो कि सेलेक्ट करेंगे जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनपद आ जाएगा यहाँ से लिस्ट आ जाएगी इस तरह से अपना जनपद जो कि सेलेक्ट कर लीजिएगा चलिए मैं कर लेता हूँ जैसे हम जनपद आप सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए जो कि शहरी जो कि ग्रामीण क्षेत्र अगर तो चयन करें पे इस पर क्लिक करेंगे जैसे अगर जो आप शहरी से हैं तो शहरी पर क्लिक करेंगे अगर जो, जो आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण पर क्लिक करेंगे चलिए मैं ग्रामीण से हूँ तो ग्रामीण मैं सिलेक्ट करता हूँ जैसे ग्रामीण आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर तहसील जो है कि चयन करने के लिए आ जाएगा तो अपना तहसील चयन कर लीजिएगा उसके बाद नीचे आप देखेंगे विकास खंड जो भी आपका है विकास विकास खंड जो है कि चयन कर लीजिएगा उसके बाद जो कि हम ग्राम पंचायत जो भी आपका ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत जो है कि चयन कर लीजिएगा तो इस तरह से अपना जो ग्राम पंचायत जो कि चयन कर लेंगे उसके बाद जो कि आप देखेंगे यहाँ पर जो कि ग्राम चयन करें जो भी आपका विलेज है यानी कि गाँव है कस्बे है जैसे आपका ग्राम है वह चयन कर लीजिएगा चयन करने के बाद जो कि यहाँ पे आएंगे जिससे आप देखेंगे पूर्ण अस्थायी पता तो दोस्तों यहाँ पर अपना पूर्ण अस्थायी पता टाइप करेंगे उसके बाद जो कि पिन कोड यहाँ पर टाइप करेंगे चलिए सबसे पहले जो कि पूर्ण अस्थायी पता आप यहाँ पर टाइप कर लेते हैं तो जैसे दोस्तों आप देख लेंगे पूर्ण अस्थाई पता है यहाँ पे मैंने जो टाइप करनी है उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आप देखिए आवेदक का फोटो अपलोड करें जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं आवेदक का फोटो जो भी आवेदक है उनका फोटो जो है कि अपलोड करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो कि फोटो जो कि केवल जे और जे फाइल में होना चाहिए इस तरह से जो होना चाहिए तो चलिए चूज फाइल पर क्लिक करते हैं और जहां पर भी, भी फोटो आप रखे होंगे वहां से फोटो अपना जो कि अपलोड कर लीजिएगा तो चलिए यहाँ पर फोटो अपलोड कर रहा हूँ इस तरह से अपलोड कर लेंगे अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं पुत्री का फोटो अपलोड करें तो देखिए दोस्तों जे और जे फाइल में होना चाहिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे पुत्री का फोटो अपलोड कर लेंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कि दिया गया है कि आवेदक का नाम तो जो जैसे दोस्तों आवेदक का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे चलिए आवेदक का नाम और योग पुत्री का नाम तो सबसे पहले जो आवेदक का नाम उसके बाद पुत्री का नाम टाइप करेंगे चलिए आवेदक का नाम टाइप कर लेते हैं तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि आवेदक का नाम और पुत्री का नाम भी आपने टाइप कर लिया दोस्तों ये नाम जो कि आधार कार्ड से आप टाइप करिए करिएगा आवेदक का आधार कार्ड से और यहाँ पुत्री का भी आधार कार्ड या मार्गशीट हो स्कूल की इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि आड्रेस प्रूफ में इस तरह से देख आप टाइप करिएगा चलिए टाइप करेंगे उसके बाद जो कि अब आप देख रहे हैं हिंदू धर्म वर्ग जैसे दोस्तों चयन पर क्लिक करेंगे तो जो भी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे देखिए यहाँ पर जाति तो आप जाति जो यहां से चयन करेंगे कर लेते हैं। जैसे जाति चयन करेंगे तो देखिए पे जाति प्रमाण पत्र संख्या तो चलिए दोस्तों जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ से टाइप करेंगे तो जैसे दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं एग्जाम्पल में दिखाया उस तरह से आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा और यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र संख्या रहेगी तो यह जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ से टाइप करेंगे चलिए टाइप कर लेते हैं तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र संख्या मैंने जो कि टाइप करनी है उसके बाद नीचे आएंगे देखिए जो कि पहचान पत्र की फोटो कापी अपलोड करें दोस्तों यहाँ पहचान पत्र की फोटो कापी अपलोड करेंगे तो जैसे दोस्तों चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे अपलोड करेंगे चलिए अपलोड कर लेते हैं तो जैसे दोस्तों यहाँ पे जो कि आवेदक का आधार कार्ड जो कि अपलोड करेंगे चलिए आधार आधार कार्ड जो कि आवेदक का अपलोड कर दे रहे हैं इस तरह से अपलोड करेंगे देखिए अपलोड हो चुका है उसके बाद जो है यहाँ पर आएंगे देखिए जो कि आवेदक के पिता या पति का नाम जो भी आवेदक है इनके पिता या पति का नाम जो कि यहाँ पर टाइप करेंगे चलिए टाइप कर देते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं आवेदक के पिता या पति का नाम जो टाइप करने है टाइप करनी है उसके बाद जो है आवेदक का लिंक जैसे कि यहाँ पर पुरुष या महिला जो भी है यहाँ पर चयन करेंगे तो इस तरह से आप जो है चयन कर लीजिएगा आवेदक जो भी है पुरुष या महिला तो उस तरह से जो कि चयन करेंगे उसके बाद जो नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए पुत्री के पिता का नाम तो जैसे पुत्री के पिता का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे चलिए टाइप कर देते हैं तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं पुत्री के पिता का नाम यहाँ मन ने जो कि टाइप कर दिया है उसके बाद जो कि यहाँ आप देखेंगे यदि आवेदक विधवा या विकलांग तो करें तो है तो चयन करने पर क्लिक करेंगे जैसे वो विधवा या विकलांग है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कोई नहीं है तो कोई नहीं पर क्लिक कर देंगे उसके बाद जो कि यहाँ पे आएंगे पुत्री के साथ आवेदक का संबंध जो भी पुत्री के साथ आवेदक का संबंध है यहाँ से आप टाइप कर दीजिएगा चलिए मैं टाइप कर देता हूँ तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं अपनी जो कि पुत्री के साथ आवेदक का संबंध जो कि मैंने टाइप कर लिया उसके बाद जो नीचे आएंगे तो आवेदक का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आई डी यहाँ पर टाइप करेंगे इसमें जो है कि अब नहीं है तो दोस्तों ये ऑप्शनल है जैसे दोस्तों जो भी स्टार यहाँ पर लगा है उसको भरना अनिवार्य है जो स्टार नहीं है उसको आप खाली छोड़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ जो मैं इसको जो खाली छोड़ देता हूँ उसके बाद जो नीचे आएंगे तो क्या आवेदक द्वारा दूसरी पुत्री के लिए आवेदक किया जा रहा है हाँ नहीं जैसे चैन करने पर क्लिक करेंगे अगर तो किया जा रहा है तो यस करिएगा नहीं किया जा रहा है तो नो करेंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पर नहीं किया जा रहा है तो नो करेंगे तो इस तरह से अब नीचे आएंगे नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए शादी का विवरण तो जैसे वर का नाम तो जो भी दोस्तों शादी के कार्ड पे वर का नाम है जैसे उनका जो है कि नाम जो है कि आपने शादी कार्ड से दोस्तों देख कर यहाँ पे जो है कि टाइप करेंगे चलिए टाइप कर देते हैं उसके बाद जो है कि वर्ग का पूरा पता है तो वर का पूरा पता जैसे आधार कार्ड से टाइप करिएगा या शादी के कार्ड पर जो भी पता है पूरा टाइप क्यार कर दीजिएगा चलिए टाइप कर लेते हैं तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ग का नाम और वर्ग का पूरा पता यहाँ पर मैंने जो कि टाइप कर दिए हैं उसके बाद जो है कि यहाँ पर आएंगे देखिए जो कि यहाँ पर पुत्री की जन्म तिथि तो जैसे दोस्तों पुत्री की जो भी जन्म तिथि है या कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और जन्म तिथि जो है कि यहाँ से आधार कार्ड या हाई स्कूल मार्कशीट या जो भी जन्म प्रमाण पत्र है उसे जो कि तिथि जो देख कर यहाँ से आप जो कि सेट कर दीजिएगा कर दीजिएगा चलिए मैं कर देता हूँ तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि अब पुत्री की जन्मतिथि मैंने जो कि यहाँ पर आज जो कि से जो कि सेट कर लिया है उसके बाद जो आप देख रहे हैं पुत्री की आयु वर्ष में लिखे जैसे दोस्तों वो जन्मतिथि है इससे जो कि कैलकुलेट करके जितना वर्ष हुआ है यहाँ पे जो कि आप टाइप कर देंगे चलिए मैं टाइप कर देता हूँ तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, में में कि है हैं। जो कि पुत्री की आयु वर्ष में यहाँ कैलकुलेट करके से मैंने ये जितना वर्ष हुआ है यहाँ पर टाइप कर दिए हैं उसके बाद जो यहाँ पे आएंगे पुत्री की उम्र सत्यापित करने के लिए प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी अपलोड करें जैसे दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड या दोस्तों जो की जो भी जन्म प्रमाण पत्र है या हाई स्कूल मार्कशीट की फोटो कापी इस तरह से जो भी जो की जन्म प्रमाण पत्र है जिस पर जन्म तिथि है वो अपलोड कर सकते हैं प्रमाण पत्र जिस मैं दोस्तों मैं आधार कार्ड अपलोड करूंगा देखिए मैं आधार कार्ड अपलोड कर दे रहा हूँ इस तरह से आधार कार्ड अपलोड कर देंगे उसके बाद जो है कि नीचे आएंगे तो उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए जो कि यहाँ पर शादी के सत्यापन प्रमाण पत्र जैसे कि चयन करें क्लिक करेंगे शादी का कार्ड और शादी का प्रमाण पत्र चलिए शादी के कार्ड यहाँ क्लिक करते हैं और दोस्तों यहाँ पर जो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर शादी का कार्ड जो है अपलोड कर लेंगे चलिए अपलोड कर दे रहे हैं तो जैसे दोस्तों आप देखें अपलोड कर दिए हैं उसके बाद जो कि आप देख देख रहे हैं कि वर्ष की आयु वर्ष में लिखे। दोस्तों जो भी ओवर की आयु है जैसे कि ओवर का आधार कार्ड से आप मैच करा लीजिएगा या जन्म प्रमाण पत्र हाई स्कूल मास्टर डिग्री फोटोग्राफी से और उसको जो कि जन्म तिथि से कैलकुलेट करके यहां पर लिखेंगे चलिए लिख देते हैं तो जैसे दोस्तों आप देख रहे देखें वर्ष की आयु वर्ष जो कि यहाँ पर कैलकुलेट करके जितना वर्ष हुआ है आयु यहाँ पर जो कि मैंने टाइप कर दिया उसके बाद जो कि नीचे आएंगे तो इसके बाद नीचे आएंगे आप देखिए देखिए जो कि पर जो पर कि वार्षिक आय का विवरण जैसे कि तहसील द्वारा निर्गत वार्षिक आय जैसे जो भी तहसील द्वारा आप जो कि प्रमाण आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं वो आय प्रमाण पत्र यहाँ पर टाइप करेंगे उसके बाद जो कि आय प्रमाण पत्र संख्या उसके बाद जो कि जो भी आय प्रमाण पत्र है उसका फोटो कापी यहाँ पर अपलोड करेंगे चलिए सारा डिटेल्स जो कि मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर जो भी आए है टाइप कर लेता हूँ तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे जो कि वार्षिक आय जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं तासी से जो भी आय प्रमाण पत्र बना था बनाता है जो टाइप करनी है यहाँ पे इस तरह से आय प्रमाण पत्र संख्या है जो टाइप करनी है ऊपर आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आएगा या जो कि आय प्रमाण पत्र संख्या है या जो कि यहाँ पे टाइप करेंगे उसके बाद जो है चूज फाइल पर क्लिक करेंगे या उसको जो कि अपलोड करेंगे चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आय प्रमाण पत्र जो कि अपलोड कर देते हैं इस तरह से अपलोड करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे बैंक का विवरण तो सबसे पहले जो कि बैंक का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे जो भी बैंक आप एड करें तो बैंक का नाम चलिए टाइप कर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो जैसे आप बैंक का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे उसके बाद जो कि शाखा जो भी बैंक का शाखा है यहाँ पर चेंज करेंगे और शाखा जो कि यहाँ से आप टाइप करेंगे जैसे शाखा आप टाइप करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो कि आईएफएससी कोड शाखा का ऑटोमेटिक आ, आ जाएगा उसके बाद जो कि यहाँ पर आ, यहाँ पर खाता संख्या जो कि टाइप करेंगे चलिए पासबुक से खा, खाता संख्या जो कि टाइप कर देते हैं तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए जो, जो कि मैंने खाता संख्या पर जो कि यहाँ पर टाइप कर ली है उसके बाद जो कि यहाँ पर देखिए जो कि बैंक पासबुक की फोटो कापी को अपलोड करें तो बैंक की जो भी फोटो कापी उसको अपलोड करेंगे चूस फाइल पर क्लिक करेंगे और देखिए इस तरह से बैंक की फोटो कि अपलोड करेंगे देखिए अपलोड कर दे है करने के बाद दोस्तों जो कि अब ऊपर से नीचे तक जो भी आप डिटेल्स जो कि भरे हैं तो एक बार जो कि वेरीफाई कर लीजिएगा तो इस तरह से डिटेल्स अपना जो वेरीफाई कर लेंगे चलिए यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से डिटेल्स अपना चेक कर लीजिएगा जो भी आप इसमें जो कि गलती हुई है तो उसको आप सुधार सकते हैं तो इस तरह से डिटेल्स अपना अपना जो कि चेक कर लीजिएगा तो यहां से इस तरह से अपना चेक करेंगे चेक करने के बाद दोस्तों जो कि ये कैप्चा है इसको जो कि अगर जो बहुत समय हो गया भरते हुए तो इसको आप रिफ्रेश कर लेंगे उसके बाद जो कैप्चा जो कि यहां पर टाइप करेंगे चलिए टाइप कर तो जैसे कैप्चा टाइप कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कि सेब पर क्लिक करेंगे चलिए सेब पर क्लिक करते हैं तो जैसे सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से फार्म लोडिंग होगा हो और यहाँ पर आप देखेंगे कि सफलता पूर्वक आपका फार्म में है अनुदान, आप अनुदान, अनुदान स्वीकृत के लिए वित्तीय वर्ष दो और दो और यहाँ पर देखिए यह आवेदन पत्र वीडियो डी एस के कार्यालय में जमा करना हेतु मान्य नहीं है यानी कि दोस्तों अभी मान्य नहीं है अभी इसको फाइनल सबमिट करेंगे तभी दोस्तों मान्य होगा जमा

कॉपी करनी है दोस्तों यहाँ पर बैक आएंगे बैक आने के बाद दोस्तों जो कि यहाँ पे यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कि आवेदन पत्र संशोधन फाइनल सबमिट दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा गया है तो यहाँ पे आएंगे बैक आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और देखिए जो अपलिकेशन नंबर जो भी अप्लीकेशन नंबर यहाँ से कॉपी किए हैं पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद दोस्तों जो कि बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे चलिए इंटर कर देते हैं बैंक पासबुक से तो जैसे यहाँ पर बैंक पास नंबर जो, पर, जो फर, है कि यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है कि यहाँ पर एंटर कर ली है इसको जो कि पासवर्ड इंटर यहाँ पर जो है इंटर करेंगे तो यहाँ पर बैक आएंगे बैक आने के बाद दोस्तों ये पासवर्ड है इसको जो है कि यहाँ से देखिए मैंने कॉपी करनी है कॉपी करने के बाद दोस्तों जो कि यहाँ पर आएंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे पेस्ट करने के बाद दोस्तों जो कि ये कैप्चा है कैप्चा यहाँ पर भरेंगे तो देखिए इस तरह से कैप्चा यहाँ पर भर रहे हैं तो जैसे यहाँ कैप्चा भर लेंगे तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे चलिए लॉगिन पर क्लिक कर देंगे जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दोबारा जो है कि यहाँ पर आप पासवर्ड आपको बनाने के लिए आ जाएगा तो अपने मनपसंद से पासवर्ड जो कि बनाइएगा चलिए पासवर्ड बना लेते हैं इस तरह से पासवर्ड करेंट पासवर्ड सबसे पहले यहाँ पर इंटर करेंगे जो भी पासवर्ड यहाँ पर देखिए या पासवर्ड जो कि कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आएँगे और करेंट पासवर्ड जैसे यहाँ पर इंटर करेंगे उसके बाद जो न्यू पासवर्ड अपने मनपसंद से बनाएंगे उसके बाद जो कि यहाँ आप, आप देखिए कंफर्म पासवर्ड करेंगे पासवर्ड कुछ इस तरह से बनाइएगा इस तरह से लगभग जो है कि आठ से बारह जो कि अक्षर में होना चाहिए पासवर्ड है आपका और यहाँ पर देखिए स्पेशल कैरेक्टर और फॉर्म जैसे कि दोस्तों एडेट और नंबर कुछ और कुछ यहाँ पर आप जो कि वर्ड लिखेंगे जैसे कि इस तरह से लिखकर पासवर्ड बनाइएगा चलिए पासवर्ड एग्जाम्पल पर देख रहे हैं मैंने स्क्रीन पर दिखाए हैं इस तरह से पासवर्ड आप जो कि बना लीजिएगा चलिए पासवर्ड बना लेते हैं तो जैसे दोस्तों पासवर्ड मैंने यहां पा जो यहाँ पर जो कि आप न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड कर लिए हैं उसके बाद जो है कि यहाँ पर कैप्चा जो है कि टाइप करेंगे चलिए कैप्चर टाइप कर देते हैं तो जैसे कैप्चर टाइप कर देंगे उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे चलिए सबमिट पर मैंने क्लिक कर दी है कर ले 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 ले। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप पासवर्ड जो है कि चेंज सक्सेसफुली ओके पर क्लिक करेंगे और दोस्तों दोबारा जो है कि यहाँ पर यहाँ पर जो कि यहाँ पर देख रहे हैं अपलीकेशन नंबर दोबारा जो है कि यहाँ पे ट्राई करेंगे चलिए अपलीकेशन नंबर इसे दोबारा कॉपी कर दे रहे हैं तो इस तरह से कॉपी करेंगे तो यहाँ पर देखिए अप्लीकेशन नंबर मैंने जो कॉपी करनी है बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर यहाँ पर इंटर करेंगे चलिए बैंक अकाउंट नंबर जो यहाँ पर इंटर कर दे रहे हैं और देखिए यहाँ पर जो कि पासवर्ड जो अभी आप बनाए हैं नया पासवर्ड वो पासवर्ड जो कि यहाँ पर इंटर करेंगे तो देखिए पासवर्ड जो कि नया पासवर्ड मैंने जो इंटर कर दिए कैप्चा भरेंगे तो पास यहाँ पर कैप्चा जो कि भरनी है लॉग पर क्लिक करेंगे तो जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फॉर्म यानी कि फाइनल सबमिट दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से अपना जो कि स्थान यानी कि अपना जो कि तहसील ब्लॉक और जो जो भी आपका पता है विलेजें और जो पंजीकरण संख्या पूर्ण अस्थायी पता और जो खाता नंबर है यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं फाइनल सबमिट दोस्तों यहाँ पर नो है तो दोस्तों फाइनल सबमिट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर फाइनल सबमिट यहाँ पर क्लिक करेंगे चलिए फाइनल सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिए जैसे फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा बी डी ओ एस डी एम के कार्यालय में जमा करने हेतु यानी कि दोस्तों बी डी ओ या कार्यालय के ऑफिस में यहाँ पर जमा करना होगा यह फॉर्म तो चलिए इसको जो प्रिंट पर क्लिक करेंगे इस तरह से देखिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म आपका जो कि यहाँ पर आ जाएगा आने के बाद दोस्तों इसको जो कि आप डायरेक्ट डाइगर दारे जो आपको आपके पास प्रिंट है तो प्रिंट कर सकते हैं नहीं है दोस्तों तो इस तरह से सेव और जो पी डी एफ यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर सेव कर लेंगे कहीं भी आप सेव कर लीजिएगा सेव करने के बाद दोस्तों इसको जो कि ले आप ले जाकर कहीं भी जैसे जन सेवा केंद्र कहीं भी प्रिंटर दुकान पर आप इसको प्रिंट करा सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले सेव कर लेते हैं देखिए फॉर्म जो कि सेव हो चुका है सक्सेसफुल और सब होने के बाद दोस्तों जो कि दो पी फाइल में इस तरह से आपका जो कि आप देख रहे हैं प्राप्ति रसीद इस तरह से तो इस तरह से प्रिंट आप कर लीजिएगा तो दोस्तों इस तरह से आप जो कि जो कि फॉर्म जो कि आप यहाँ पे जो कि सक्सेसफुल जो कि शादी अनुदान के लिए यानी विवाह हेतु तो अनुदान के लिए आप जो कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो दो जैसे दोस्तों यहाँ पर अपना फार्म जो है सक्सेसफुल आप जो कम्प्लीट जो की भर लेते हैं भरने के बाद जो फाइनल सबमिट कर दे उसके बाद जो इसका एक प्रिंट आउट लेना है उसके बाद जो जो भी दस्तावेज जो आप अपलोड किए हैं वो सारा दस्तावेज का जो फोटो कापी या जो है कि को एक मिनट नर्थिक करना है नथी करने के बाद जो की, 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 की अपने ब्लॉक में या अपने तहसील पर जमा करना है यानी वीडियो ऑफिस या जो की एस डी एम ऑफिस में इसको जमा करना है तो इसको लेकर आप जमा कर देंगे जमा करने के बाद जो सारा कम्प्लीट जो आपका काम हो जाएगा यानी कि सक्सेसफुल जो आपका जो भी काम जो भी हो जाएगा तो अगर दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद